नमस्कार बच्चों, सेट सियल हिंदी हाई स्कूल होम लर्निंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 को आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, जीव जगत का वर्गीकरण सजीव, पहले इसके पहले कुछ टॉपिक आपको थोड़ा डिस्कस कर ले कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव के लक्षण जितने भी होते हैं, जैसे वृद्धि करता है, विकास करता है, हलन चलन करता है, प्रचलन करता है, प्रजनन करता है, चयापचय की सारी क्रियाएं करता है, ये सारी क्रियाएं जो करता है उसे सजीव कहते हैं, जो नहीं करते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। बट बच्चों, ऐसा नहीं कि सारे लक्षण होने चाहिए सजीव के लिए, इन सब में से कोई एक भी लक्षण है तो वो सजीव है, अन्यथा निर्जीव है। जीव जगत को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको ऐसा कुछ अलग अलग बंटवारा करें कि हमको अध्ययन करने में आसानी रहे। सबसे पहले तो लीनियस का जो नाम दिया है मैंने, एक और साइंटिस्ट था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बेटा फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, मीन्स ये प्राणी विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके बाद लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, मीन्स वर्गीकरण का पिता कहते हैं। हाँ, वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे थोड़ा, कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, सजीवों के उनके लक्षणों के समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटकर अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे हमको अध्ययन करना है, देखो इससे वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, महत्व क्या है, कि हमको सजीवों के अध्ययन करने में आसानी होती है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जैसे आपके किचन में जो स्टैंड होता है, जहाँ पे सारे बर्तन रखे जाते हैं स्टैंड पे, या ड्रॉअर होते हैं बर्तन के, जो भी आप देखोगे उस स्टैंड में ना, जो जिस साइज के बर्तन होते हैं उस साइज के स्टैंड में हम उसको रख देते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा बेटा, कि हमको अगर उसके अंदर बाउल चाहिए, डिश चाहिए, स्पून चाहिए, तो हमारा हाथ स्पून वाली जगह पे जाएगा, बाउल चाहिए तो बाउल वाले छोटे खाने में जाएगा, डिशेस चाहिए छोटी डिश, बड़ी डिश, मीडियम डिश, तो उस तरह से अपने उस खाने में हाथ जाएगा, ईजी मिल जाएगा, हमको पूरा उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। सेम हियर बेटा, यहाँ पे वर्गीकरण में भी सजीवों के अध्ययन करने के लिए जितने ही लक्षण समान होते जाते हैं, एक वर्ग में रखे जाते हैं, जितने ही लक्षण उसमें अलग अलग होते जाते हैं उनमें अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे लीनियस ने सबसे पहले द्विजगत पद्धति दी, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया, कैरलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। क्या बताया इनने कि कोई भी सजीव दो तरह से किया, जो सजीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती थी उसे पादप कहा, जिनमें नहीं पाई जाती थी, कोशिका भित्ति मतलब बेटा कोशिका के सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है, आवरण होता है, तो उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसमें पाई जाती है वो पादप प्लांटी, जिसमें नहीं पाया जाता है वो प्राणी एनिमेलिया। तो इस बेस पे इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया। बाद में अर्नेस्ट हैकल आए, बोला ये तो इसी पादप और प्राणियों में कुछ ऐसा सजीव देखा जो एक कोशिकी होते थे बच्चों, एक कोशिकी, एक ही कोशिका के बने हुए, उन एक कोशिकी सजीवों को पादपों और प्राणियों में से अलग निकाल दिया, बोले नहीं भाई इनको अलग ही रखना है, और उसका जगत बनाया प्रोटिस्टा। इसमें सारे एक कोशिकीय सजीव आते हैं, सारे एक कोशिकीय सजीव आते हैं,
और बहु कोशिकी को पादप और प्राणियों में बांटा था जैसा रहने दिया। कोपलैंड साइंटिस्ट है, बोले कि नहीं भैया, एक और प्रॉब्लम आई है इसमें, एक कोशिकी बहु कोशिकी तो अलग किया सही है, कुछ तो सजीव ऐसे है जिसके कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं है। तो उसने क्या किया कि बोला कि केंद्रक के विकास के आधार पर सजीव दो प्रकार की कोशिकाएं रखते हैं, जिनमें केंद्रक अल्प विकसित उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा, प्रोकैरियोटिक, जिनमें विकसित उसको यूकैरियोटिक कहा। तो प्रोकैरियोटिक को इसने उठा करके साइड में रख दिया, तो सारे प्रोकैरियोटिक को बेटा मोनेरा में रख दिया, चौथा जगत बनाया। सारे प्रोकैरियोटिक चाहे प्लांट्स हो एनिमल हो, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी प्लांट पौधे होते हैं, कोई भी एनिमल प्रोकैरियोटिक्स होते नहीं है। तो क्या किया, मोदेना में किसको रख दिया बेटा, प्रोकैरियोटिक को, प्रोटिस्टा में किसको रख दिया, एक कोशिकीय को, और बहुकोशिकियों को पादप और प्राणी में जैसा था वैसा चलने दिया। बट सबसे प्रसिद्ध एक्सेप्टेबल मीन्स स्वीकार्य जो वर्गीकरण पद्धति है वो है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किसके थ्रू, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेटा, और ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति में उसने एक और चीज अलग कर दिया। आज हम अध्ययन जो करते हैं मोस्टली इसी का करते हैं। एक और चीज क्या किया, मोनेरा को प्रोकैरियोटिक बताया अल्पविकसित केंद्रक वाले, प्रोटिस्टा में एक उसकी यूकैरियोटिक को रख दिया। इसने एक पौधे देखे, ये पौधा बहुकोशिकी होते थे लेकिन ये विघटक होते थे, फफूंद कवक फंजाई बोलते हैं इनको बेटा, इनको इसने बोला अलग किया। क्यों किया, सारे पौधे स्वयंपोषी होते थे, अपना खुराक खुद बनाते थे, सारे पौधे में सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनती थी, सारे पौधे में खुराक का संग्रह स्टार्च होता था। कवक में तो विचित्र देखा, कवक में परपोषी नहीं, ये विघटक मीन्स मृतोपजीवी होते थे, मृतोपोषी मृतोपजीवी, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण लेते थे। बेटा इसने कोशिका भित्ति सारी चीजें, कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी थी, खुराक का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता था, तो ये उठा करके कवक को अलग ही रख दिया, फफूंद को, चल भैया तू अलग रह, पादप और प्राणी तो थे ही। तो कुल मिला के पांच जगत वर्गीकरण पद्धति बनी आर एच विटेकर के थ्रू, मोनेरा प्रोटिस्टा फफूंद पादप और प्राणी। एक और साइंटिस्ट ऊज ने एक और किया, बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया बताया था अभी, जितने बैक्टीरिया थे दो तरह के थे, एक ओल्ड बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया, जो ओल्ड पुराने बैक्टीरिया थे, कहीं भी मिलते थे कहीं भी रहते थे, और एक बैक्टीरिया जो मॉडर्न बैक्टीरिया थे, बाकी प्रोटिस्टा फफूंद पादप और प्राणी। नेक्स्ट वीडियो में हम पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।